हेलो एवरीवन, चलिए आज हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की। तो जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जो गिवन है उसको लिखिए, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपको आंसर करना है, उसको भी लिख लीजिए और उसके फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। जितने भी पॉसिबल फार्मूले हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या है, सॉल्व करने का व्यू जो है आपको दिखने लगेगा। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 0.7। सो यहाँ पे देखिए, हमसे पूछ रहा है डेंसिटी, तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो इस तरीके से क्या कीजिए, फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं आप, और इसका यूनिट भी साथ में लिखिए, क्योंकि यूनिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो वेट डेंसिटी मीन्स वेट बाय वॉल्यूम। इसका एक और फार्मूला है रो इंटू जी, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और साथ में आपको वेट भी पूछ रहा है, ये वेट भी पूछ रहा है, तो तीन क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं, और फार्मूला यहीं कहीं पे है, ठीक है। उसके बाद गिवन क्या दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो लिक्विड जो है वो पेट्रोल है, और उसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर दिया हुआ है, विच इज़ 10^-3 m³। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 m³ होता है। सो अगर 1 लीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/1000 m³, जिसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10^-3 m³। ओके, नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 0.7। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, 0.7। और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप लोग फार्मूला जानते हैं, ये क्या होता है, एस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, दैट मीन्स कि पेट्रोल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये भी फॉर्मूला हमको पता है। सो यहाँ से हम पहले जो गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसी से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, तो यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ पेट्रोल बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.7, तो यहाँ से 0.7 हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो हमको निकालना था, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं, क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, वो क्या होता है, 1000 kg/m³। तो यहाँ से आ जाता है 1000। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो क्या हो गया, कैलकुलेटर, विच इज 700 kg/m³। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, डेंसिटी कैलकुलेट हो गया। जब आपको डेंसिटी कैलकुलेट हो गया और आपको निकालना है स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू, सॉरी, स्पेसिफिक वेट को डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो डेंसिटी अभी भी निकाले थे, विच इज 700 × ग्रेविटेशनल, कितना हो जाएगा, 9.81। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा 7 6867, और यूनिट इसका यूनिट होता है N/m³। तो इस तरीके से स्पेसिफिक वेट भी कैलकुलेट हो गया, देख सकते हैं स्पेसिफिक वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू जी, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इंटू ग्रेविटेशनल। तो डेंसिटी अभी भी निकाले थे 700, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 9.81। तो आपका वैल्यू जो आ जाता है 6867 N/m³। ओके, लास्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेट। सो वेट का कैलकुलेट करना है, तो हम जो भी फॉर्मूला देखें, जैसे कि डेंसिटी में होता है मास बाय वॉल्यूम, वेट डेंसिटी में ही होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वेट डेंसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी, वॉल्यूम हमको पता है, तो यहाँ से हम वेट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, वेट अगर कैलकुलेट करना है तो क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट ही 6867, वेट का वैल्यू निकालना है, और वॉल्यूम जो था वो 10^-3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6867 10^-3, या फिर क्या लिख सकते हैं, 6.867 N। तो यहाँ से देखें कि इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, तो क्वेश्चन जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का जो वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो ये क्वेश्चन जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।